चित्रकूट जिले के मारकुंडी थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के बाद बबली कोल गैंग के चार डाकुओं को असलहों के साथ गिरफ्तार किया गया। डकैतों से पुलिस की मुठभेड़ के छेरिया बांध के पास मुठभेड़ हुई। मुखबिर से पुलिस को यूपी एमपी के सीमावर्ती इलाके में आतंक का पर्याय बने 7.5 लाख के इनामी डकैत बबली कोल गैंग के छेरिया बांध के पास मौजूद होने की सूचना मिली थी, जहां पर मानिकपुर और मारकुंडी पुलिस ने घेराबंदी कर डकैतों को ललकारा। डकैत पुलिस के पहुंचने पर भागने का प्रयास किया, जिसमें गैंग के चार हार्डकोर सदस्यों को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। सब जंगलों में लगातार कॉम्बिंग कर रहे थे। कल वहीं छिड़ा बांध के पास ये लोग जब कॉम्बिंग में लगे थे, तो सूचना मिली कि चार लोग जो है जमीन व्यवस्था में बैठे हैं और समुद्र डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। इस पर हमारी टीम वहाँ पर गई और देखा कि कुछ लोग वहाँ बैठे थे और इस तरह की योजना बना रहे थे। इस पर हमारी टीम ने ललकारा तो डकैतों ने हमारी टीम पे फायरिंग शुरू कर दी। हमारी टीम ने भी फायरिंग का जवाब दिया। इस बार घेर के छिड़िया जंगल के पास, छिड़िया बांध के जंगल के पास इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये चार लोग हैं, जिसमें से तीन लोग तो सतना के रहने वाले हैं और एक लोग छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। ये तीनों जो है जो बबली कोल गैंग है, इनसे जुड़े हुए लोग हैं और ये छत्तीसगढ़ का खास तौर जो आदमी है, इसको जो जानकारी मिली पूछताछ है कि अज्जू नाम का एक व्यक्ति है थाना बैलपुरवा का, वो करीब 2-3 महीना पहले इसने उसने संपर्क में कराया था बबली कोल के संपर्क में। उसके बाद से लगातार ये गैंग में चल रहा था। काफी देर तक चली मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दस्यू बबली कोल गैंग के हार्डकोर मेंबर फूलचंद, दीपक, उमेश कोल और विजय कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए चारों डकैतों के पास से 315 बोर के चार तमंचे, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और चार देशी बम भी बरामद किए हैं। वहीं आजमगढ़ पुलिस ने मेहनगर से चार शातिर लुटेरों को असलहों के साथ गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर एंटी एक्सट्रैक्शन टीम और प्रभारी निरीक्षण मेहनगर से घेराबंदी कर पिलखुआ पुलिया से आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 असलहा, कंट्री मेड, 12 जिंदा कारतूस और वाराणसी से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की। गिरफ्तार तस्कर सुनील उर्फ सिपाही के खिलाफ पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में 26 अभियोग लूट, चोरी, हत्या और रंगदारी के दर्ज हैं। एक्चुअली सुनील सिपाही नाम का एक क्रिमिनल है, जो बड़ा पेशेवर अपराधी है। ये असलहों का तस्करी करता है और मार्च 2018 में इसका इनकाउंटर भी जनपद में हमारे हुआ था, उसमें इसे गोली लगी थी, सिपाही को भी गोली इसने मारा था, तभी गिरफ्तार हुआ था असलहों के साथ ये। किंतु जेल से आने के पश्चात फिर ये अपने धंधे में लग गया और ये कभी कभी लूट करता है, और लेकिन इसका जो ज़्यादातर काम है वो है असलहों की तस्करी करना और ला के सप्लाई करना यहाँ पे। आज हमारी जो रेंज की एक्सटॉर्शन टीम है और हमारे थाने की टीम ने मिलकर के गिरफ्तारी इनकी की है, दो लोगों की, और इनसे लगभग 8-10 असलहे बरामद हुए हैं, कुछ पिस्तल बरामद हुई हैं इनसे, और कुछ अभी इन लोगों ने और जनपद में सप्लाई किया हुआ है, जो हमारे पेशेवर अपराधी उनको हत्या और अन्य काम को अंजाम देने के लिए हमारी टीम लगी उसको बरामद करने के लिए। वास्तव में एक बड़ा प्रोफेशनल गैंग है ये, जो इसका मूल काम है असलहों की तस्करी कराना, अगर उसमें सफल नहीं होता कभी कभी ये तो अक्सर लूट भी कर लेते हैं। ये पूर्व से ये वांछित रहा है। चंदौली जिले में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत 57 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 16 वांछित अपराधी हैं। इन वारंटियों में कई आरोपी ऐसे हैं जिनके खिलाफ वाराणसी, चंदौली के कई थानों में मामले दर्ज हैं। ये बीती रात जनपद चंदौली में सघन अभियान अपराधियों के विरुद्ध चलाया गया और उसमें कुल 57 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। उल्लेखनीय यह है कि 57 में 16 विभिन्न थानों के वांछित अपराधी हैं, जो मुकदमों में वांछित थे। 16 अपराधी वारंटी हैं, जिनके खिलाफ बनारस और चंदौली की अलग अलग अदालतों से वारंट जारी हुए थे। 2 ऐसे गुंडे हैं जो गुंडा एक्ट में जिला बदर हुए थे, लेकिन समय सीमा के अंतर्गत वो अपने आवास पर पाए गए और जनपद की सीमा के बाहर नहीं गए। इसके अतिरिक्त 23 ऐसे अभियुक्त हैं जिन्हें 151 में गिरफ्तार किया गया है, जो रेवसा गांव में हुई मारपीट के दौरान वहां पे लाठी डंडे के साथ मौजूद थे, तो इनको गिरफ्तार किया गया। इस तरह कुल 57 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। सीएम के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसे अपराधियों में खौफ है और पुलिस कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए इन पर नकेल कस रही है। चित्रकूट से बीडी मिश्रा, आजमगढ़ से कुमार पितेश्वर और चंदौली से प्रदीप शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।